तो भारत और चीन के बीच में डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा है, वो अभी भी जारी है। ये डिस्प्यूट एरिया चाइना और भूटान के बीच में है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। चाइना कैसे टैरिफ कंट्री को सपोर्ट कर रही है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए और चाइना की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना पड़ेगा, जैसा कि सोनम बकचोद ने कहा है, दिस इज द राइट टाइम फॉर इंडिया टू हर्ट चाइनीज वॉलेट एंड गो स्वदेशी। मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि एक्चुअली हम चाइनीज प्रोडक्ट को कैसे बॉयकॉट करें। इसके लिए हमें सबसे पहले चाइना और इंडिया के बीच में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिचुएशन समझना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में कितना बड़ा इम्बेलेंस है, ऑलमोस्ट 6 times। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट, जिसे हमें कम करना है। अब आप लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, इंडिया गवर्नमेंट चाइना प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं कर देती। बैन करना सॉल्यूशन ही नहीं है, इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि WTO रूल्स के अनुसार कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पे ट्रेड बैन नहीं लगा सकती। तो बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, चाइनीज प्रोडक्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा। सो रिप्लेस विद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। हो सकता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स उपलब्ध नहीं हो, तो हमें दूसरी कंट्री की प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और दूसरी अदर कंट्री, तथा इंडियन गवर्नमेंट को उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना होगा, एवं इंडियन गवर्नमेंट को चाइनीज प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगानी होगी। इंडियन इंपोर्टर्स को चाइनीज प्रोडक्ट्स को कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए। आज ही अपने मोबाइल और लैपटॉप में से जितने भी चाइनीज ऐप और सॉफ्टवेयर है उसको जल्दी से डिलीट करिए, जैसा कि आप देख सकते हो। हमें अपनी लाइफ से चाइनीज प्रोडक्ट्स को 1 से 2 साल के अंदर अपने लाइफ से आउट करना है, क्योंकि शरीर और राष्ट्र दोनों को स्वस्थ रखने के लिए एक ही उपाय है, चीनी बंद। शरीर के लिए देसी गुड्स और राष्ट्र के लिए देसी गुड्स। आई एम इंडियन, आई प्लेज टू बॉयकॉट मेड इन चाइना। आई विल कंट्रीब्यूट अ लिटल टू डिस्ट्रॉय चाइना एग्रेसियन। आई लव माई कंट्री। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। शेयर दिस वीडियो टू सपोर्ट बॉयकॉट मेड इन चाइना कैंपेन।